नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं आज एपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक टॉपिक है एपी समांतर श्रेणी। एपी में हम तीन फॉर्मूले देखेंगे, मेन तो उस पर ही क्वेश्चन आता है। पहला फॉर्मेट है या जो फॉर्मूला है ना वो है TN = A + KN - 1 × D। ये अब TN क्या होता है, nवां पद, मतलब कोई भी सीक्वेंस या सीरीज है ना उसका nवां पद TN। ये क्या होता है, ये होता है पहला पद या प्रथम पद। डी क्या होता है, डी होता है सार्वअंतर, मतलब जो सीक्वेंस होती है ना उसका दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सार्वअंतर कहलाता है, वो सार्वअंतर होता है डी। एन क्या होता है, एन होता है जिसमें कितने टर्म है, मतलब उनमें कितने कोई सीक्वेंस है उनमें कितने पद है, वो टर्म एन कहलाता है। तो हम अगला देखते हैं दूसरा फॉर्मेट है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है कि एन पदों के या सीक्वेंस होती है उनमें एन पद है, मतलब एक से स्टार्ट होती है और एन तक जाती है। तो एन पद इसी कोई भी सीक्वेंस होगी ना उनके एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, उनका सूत्र होता है N/2 (2A + KN - 1 × D)। ये एन पदों का होता है, लेकिन इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा कि एक 2A इसको A+ A लिख देंगे, तो A + A + K आगे क्या N - (1 × D)। ये A + KN - 1 × D ये क्या हो गया TN मतलब L TN ये क्या होता है nवां पद, ये हो गया L। इसको हम L लिख दिया यहाँ पर, एक सूत्र क्या हो गया एस एन का N/2 A + KL। इसके बाद में तीसरा फॉर्मेट देखते हैं कि तीसरा फॉर्मेट क्या है। अगला फॉर्मेट है समांतर माध्य का। ये एकदम से ध्यान से देख लेना कि ये क्वेश्चन आता है ना, इसमें टाइम लगाने का नहीं होता है कि क्वेश्चन आया 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर निकालने का होता है। पहला इसमें दो फॉर्मेट है, पहला क्या है कि AB संख्या के बीच में एक समांतर माध्य है तो उनका मान याद कीजिए, यदि उनके n समांतर माध्यों का योग याद कीजिए, मतलब 1 और 5 के बीच एक समांतर माध्य है तो उन माध्य ज्ञात कीजिए। तो किसे ज्ञात करेंगे, A + B / 2 ना, 1 + 5 (6/2 = 3। ये तो हो गया A + B के मध्य समांतर माध्य। अब दूसरा फॉर्मेट ये है कि A और B के बीच n समांतर माध्यों का योग, तो उनका सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 और 5 के बीच 6 समांतर माध्य है तो 6 समांतर माध्यों का योग क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, वही सेम ही प्रोसेस है कि 1 + A + B / 2 × N मतलब A + B / 2 × N कर दिया। तो 1 + 5 (6/2 = 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके बीच में कितने समांतर माध्य हैं, 6 समांतर माध्य है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 18 आ गया। अब इनके ऊपर तीनों फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला फॉर्मेट है, पहला क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वही लिया हूँ मैं, न्यू एयरफोर्स में बहुत बार एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं लोगों के, तो आंसर याद हो जाते हैं कि प्रैक्टिस कर करके इतना बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं क्योंकि आंसर याद हो जाते हैं। तो मैंने भी दिया तो ये क्वेश्चन आया था 1, 4, 7, 10 ये एक सीरीज है, तो पहले तो ये पता लगाने पड़ेगा ये कौन सी सीरीज है। तो 1 और 4 के मध्य कितने का डिफरेंस है, 3 का। 4 और 7 के मध्य कितने का डिफरेंस है, 3 का। और 7 और 10 के मध्य कितना डिफरेंस है, 3 का, मतलब समान डिफरेंस है, इसका मतलब एपी है। तो एपी में कौन सा पद 58 होगा, मतलब इसकी TN वाला सूत्र लगेगा। TN वाला सूत्र कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि A का मान क्या है, 1 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। D का मान 4 - (1 = 3) ये भी आ गया। TN कौन सा पद 58 होगा, 58 होगा, मतलब TN का मान क्या आ गया, 58 आ गया। पर TN वाला सूत्र लगाना है, TN क्या होता है, TN = A + KN - (1 × D)। TN का मान या L का मान 58 आ गया, A का मान 1 आ गया, N - (1 × D)। D का मान क्या है, 3 है, तो इसको A को इधर ले आएंगे तो 58 - 1 57 और 3 का डिवाइड कर देंगे और इधर क्या आ गया N - (1। और 57 में 19 का भाग लगाएंगे तो 57 में 3 का भाग लगाएंगे तो 19 आएगा, N - (1 = 19। N = 20। ये क्वेश्चन ये फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार निकाल देंगे तो आपके आंसर याद हो जाएंगे। अब एग्जाम में आएगा 147 का 58 होगा को आप डायरेक्ट 20 लगा देंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान लो इसको, एक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1 + K 4 + K 10 7 + K 10 + K 13 + K 88 30 पद है टोटली, तो इनमें 30 पदों का योगफल ज्ञात करो, कहने का मतलब ये एक सीरीज दी हुई है, टोटल इस सीरीज का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, दो फॉर्मेट है इसके योगफल की याद करने का। पहले फॉर्मेट क्या है कि N/2 (2A + KN - 1 × D)। दूसरा फॉर्मेट है N/2 A + KL। अब दोनों क्वेश्चन, दोनों ये फॉर्मूले सही है, लेकिन आपको कौन सा यूज में लेना है, आपके आंसर जल्दी किससे आएंगे वो आपको ये वाला यूज में नहीं लेना है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें लास्ट की टर्म दी हुई है 88 का मतलब L का मान दिया हुआ है, मतलब 88 L का मान, L मतलब TN मतलब nवां पद दिया हुआ है, nवां पद क्या है 88, इसलिए हम ये दूसरा वाला फॉर्मेट ये सूत्र लगाएंगे। ये स्मार्ट है, मतलब स्मार्ट वर्क है, कई बच्चे स्टूडेंट है ना वो ये लगा देते हैं, इसमें आंसर तो इससे भी आएगा लेकिन टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम के। तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, तो S n = N। n का मान क्या है, 30 पद है, 30/2 इंटू कोष्ट क्या, A का मान क्या है 1, 1 + KL का मान क्या है 88, तो यह हो गया। तो S n 15 में 2 का भाग दिया 30 में 2 का भाग दिया 15 प्लस के 88 प्लस के 189 मतलब 15 × 89 इक्वल टू क्या आएगा 1335 आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये होगा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्या है कि x + ky और x - ky x + ky दो संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है a + b / 2 a + b / 2 ना a का मान क्या है x + ky और b का मान क्या है x - ky ना y से तो वहीं कैंसिल हो गया 2x आ गया 2x ऊपर नीचे क्या आ गया 2 2x/2 इक्वल टू x आंसर आ गया। ये तो है सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। इसी क्वेश्चन को आगे चेंज भी कर सकता है कि x + ky और x - ky के बीच 5 समांतर माध्यों का योगफल याद कीजिए। तो क्या करना है पहले a + b / 2 ये निकालना है मतलब 2x/2x ही आएगा। और अब कितने माध्यों का पूछा है 5 समांतर माध्यों का योगफल जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा। मतलब आपको ये 3 फॉर्मेट बताया ना वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे आपको 2 या 3 सेकंड में आंसर निकालना है। अब ये 2 या 3 सेकंड में आंसर कब आएगा कि आपको ये कम से कम ये बहुत बार क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एग्जाम में क्या है लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता। अब इतनी प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन निकालो कि आपके पास टाइम बच जाएगा। मैं बोलता हूँ ना मैंने बहुत एग्जाम दिए